नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुनलाल कुमावत और आप देख रहे हैं कुबेर टेक्निकल गुरुजी। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक जो अपने पास एलईडी होती है और एलईडी में ट्यूबलाइट आती है, तो इसकी रिपेयरिंग आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्योंकि देखिए अभी अपने पास में है एक पुरानी ट्यूबलाइट है जो अभी खराब है, तो इसको रिपेयरिंग में आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ में बने रहें। साथ में यदि चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी आप प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाइस, अपनी जो एलईडी ट्यूबलाइट होती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए एक तो आता है हाउसिंग, ये जो एल्यूमिनियम का इसका जो फ्रेम आता है इसको रोकने के लिए जो अपनी एलईडी के अंदर लगती है, तो इसका ये हाउसिंग आता है। और ये एक आता है इसके ऊपर ये डिफ्यूजर, एक ग्लास टाइप का आता है जिसमें अपना जब एलईडी अंदर से जलती है तो इसके द्वारा अधिक रोशनी होती है। तो इसके अंदर जो होता है वो देखिए ये केप होता है। सबसे पहले केप अपन इसको हटा देंगे और केप हटाने के बाद में इसका जो ये डिफ्यूजर है इसको अपन यहां से निकाल देंगे। तो आप देखिए बिल्कुल प्लास्टिक टाइप का ये जो अधिक रोशनी करता है। देखो अपन इसको ऐसे भी कर देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये वापस वैसे के वैसे हो जाता है। और उसके बाद में अपना आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इसमें एक एलईडी लगी हुई है, ये एलईडी इसके अंदर लगी हुई है और इसके अंदर ही इसका ये देखिए आप, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये निकल गया है, ये आ गई। अभी ये अपने पास में खराब है तो ये क्या जल नहीं रही है, इसकी रिपेयरिंग अभी अपने को करनी है। ये मैंने इसको हटा दिया और ये अपन ने इसको ले लिया है। गाइस मैं आपको बता दूं कि इसमें पावर सप्लाई देने के लिए एचपीएफ डबल आईसी इसमें ये ड्राइवर लगा होता है जो इसको पावर सप्लाई करता है। ये देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पे इसमें डबल आईसी लगी हुई है और ये ड्राइवर होता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इस ट्यूबलाइट को जलाने के लिए भी ये एक बिजली के ड्राइवर की जरूरत होती है। इसमें जो यहाँ पे प्लस और माइनस के अंदर ये यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है जो इस अपनी जो एलईडी है इसके अंदर ये सप्लाई देता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये खराब है या सही है। तो अभी अपने पास में ये लाइट भी इसमें आ रही है तो अपन इसको लगा के देख लेते हैं। ये आप देख पाएंगे, इधर से लगाता हूं मैं इसको। ये देखिए ये जला नहीं है तो अपना ये खराब है। और एक मैं सही भी आपको लगा के दिखा देता हूं। ये देखिए एक एलईडी अपने पास में सही है तो इसको भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं लगा के, आप देख पाएंगे। ये देखिए ये सही एलईडी है तो ये जल गई है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं जो अपनी पुरानी एलईडी है। सबसे पहले अपन इसके अंदर ड्राइवर लगाएंगे दूसरा और इसको चेक करेंगे ये खराब है या फिर इस एलईडी में से कोई सा पॉइंट इसमें खराब है। तो बने रहें आप वीडियो में मेरे साथ में अंत तक, देखिए क्या होता है आगे। ये जो इसका ड्राइवर है दोस्तों अपन ने इसको हटा दिया है और इसमें अभी हम नया ड्राइवर इसमें लगा रहे हैं। ये ड्राइवर अपन ने इसमें चेंज कर दिया है और अब अपन इसकी फिटिंग कर देंगे, इसको ट्यूबलाइट में वापस लगा देंगे। ये देखिए ये इसके बिल्कुल आसान है। ये देखिए और इसके ऊपर ये लगा देंगे। ये इसकी फिटिंग हो गई है और इसका जो ड्राइवर है इसको इसके अंदर अपन डाल देंगे।
तो गाइस अपन ने इसकी फिटिंग करी है और इसमें नया ड्राइवर अपन ने लगा दिया है, और साथ में अभी मैं आपको इसको जला के भी दिखा देता हूँ। जो अपनी ट्यूबलाइट है इसको जला के मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहे हैं आप, ये देखिए अपनी जो ट्यूबलाइट है वो जल गई है। पुरानी ट्यूबलाइट को अपन ने रिपेयर कर लिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और मुझे भी आगे बढ़ाएं, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और भी लेके आ सकूं।